दोस्तों, सुबह को बैक वॉक करते रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों से बच के रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। दोस्तों भाइयों, अगर बैक वॉक करने नहीं हुआ तो कम से कम सामने का वॉक करो। हर दिन 1 घंटा वॉक करना, इंशाल्लाह सेहतमंद रहती। मेरे दोस्तों भाइयों, आज शहद के बारे में बता रहा हूं। यह है शहद, यह शहद कुदरती दवा है और अल्लाह की तरफ से बेहतरीन गिजा भी है। दोस्तों, सूरह नहल आयत नंबर 69 में अल्लाह फरमाया, ऐ शहद के मक्खियों, मेरे बंदों के लिए शहद बनाओ। ऑर्डर दिया अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से शहद के मक्खियां हजारों फूल, हजारों फल चूस के ले ले क्या के शहद बनाते। मेरे दोस्तों भाइयों, शहद क्या है? शफा है। शहद के अंदर सेहत है। ये हमेशा यूज करते रहेंगे, आपका खून पाक और साफ रहेगा, कभी जिंदगी में आपको कैंसर नहीं आएगा। ये शहद इस्तेमाल करो, इसके साथ कलौंजी भी इस्तेमाल करो। और कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शफा है। और कलौंजी भी इस्तेमाल करो और साथ साथ मेथी भी इस्तेमाल करो। और मेथी के बारे में कहा गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बीमारियों को दफा करो मेथी से, सेहत को बना के रखो। मेरे दोस्तों भाइयों, और ये मेथी और ये शहद, कलौंजी और जो है कीकर का पत्ता यानी बबूल का पत्ता, ये पेस्ट के सरगा बना को पूरे जिस्म को अगर लगाएंगे तो दोस्तों भाइयों, जिस्म खूबसूरत भी बनेगा, जिस्म गोरा भी बनेगा, काला जिस्म भी गोरा बनेगा। और दोस्तों, जिस्म के अंदर झुर्रियां चल जाएंगे। पूरे जिस्म को लगाना रात में, सुबह में पानी नहा लेना। और दोस्तों भाइयों, और कलौंजी मेथी पाउडर बना ले को, शहद में डाल को रख ले को एक आधा आधा चमचा, और गर्म पानी में डाल के उबाल के पीना हर दिन। मेरे दोस्तों, हर बीमारी से बच के रहेंगे, सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए इसमें शफा है।